हेलो, मेरा नाम दीपक केळकर है और मैं पेशे से साइकियाट्रिस्ट हूँ। और आज आपको एनएलपी के बारे में बताने वाला हूँ। हमने इसके पहले वीडियोस में एनएलपी के बारे में काफ़ी सारा हमें जाना हुआ है, एनएलपी के प्री सपोजिशंस क्या है, एनएलपी के बिलीव्स क्या है, और हमने काफ़ी सारे एनएलपी के बिलीव्स कवर किए हुए। आज वो मैं बताने वाला हूँ आपको कि एनएलपी के और कौन से बिलीफ है, जो एनएलपी की धारणा है, जो एनएलपी की मान्यता है, जिसके ऊपर एनएलपी का फाउंडेशन है, ऐसे कौन से एनएलपी के बिलीव्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो है कि देर आर नो फेल्यूर्स, देर आर ओनली फीडबैक्स। इसका मतलब ये होता है कि एक तो आप सक्सेस पाते हो या एक तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, एक तो आप सफल होते हो या आपको अनुभव मिल जाता है। असफल नाम की कोई चीज होती नहीं है। आपको अनुभव मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप उसमें से कुछ सीख पाओगे। तो आपको एक तो जय मिलता है या आपको एक्सपीरियंस मिलता है। फेलियर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। आज से आपने अपने डिक्शनरी में से फेलियर नाम की चीज़ निकाल डालो। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सब लोग जानते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का शोध किया। उन्होंने 10,000 उसके एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग किए, 50 प्रयोग किए तो नहीं हुआ, 100 प्रयोग किए तो नहीं हुआ, 101 एक्सपेरिमेंट किए तो नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज हुआ नहीं। 5,000 किए तो हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। 9,000 किए तभी भी इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज उन्होंने की नहीं। 9,999 बार किया तभी नहीं हुआ। 9,999 बार अलग 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 उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और वह एक्सपेरिमेंट के जरिए उनको ये मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज होती नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब का रिसर्च होता नहीं है, इलेक्ट्रिक बल्ब तैयार होता नहीं है। 10,000वां एक्सपेरिमेंट जब उनका हो गया, तब वो एक्सपेरिमेंट में वो जो प्रयोग उन्होंने किया उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब का उन्होंने खोज किया। उनको जब पूछा गया तो ये आपको कैसा लगा, जब 9,999 बार जब आप फेल हो गए तो आपको लगा कैसा? बोले, मुझे कुछ लगा नहीं, मुझे इतना पता चला कि भाई एक रास्ता ऐसा है, एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि जहाँ से इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज होती है। बाकी 9,999 बार तो मुझे तजुर्बा मिला उसका, मुझे अनुभव मिल गया, मुझे मालूम पड़ा कि 9,999 जो रास्ते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज होता नहीं है। मतलब जब हमारी धारणाएं ऐसी होती है कि कोई हमारा फेल्योर नहीं है, जो भी है वो हमारा एक सक्सेस है या हमें अनुभव आता है। पर हम सब लोग फेल्योर से बहुत डरते हैं, फेल्योर नहीं होना ऐसा हमको लगता है, क्योंकि फेल्योर जो है हम वो व्यक्तिगत लेते हैं। ऐसा हमें लगता है कि मैं फेल हो गया। तो आप फेल नहीं हुए, जो काम कर रहे हैं, जो आपने काम करने के लिया हुआ है उसमें आप फेल हो गए, उसका ये मतलब होता है। लोग फेल हो जाते हैं और फेल होने के बाद में उनको ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा डर जो है कि लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो लोग क्या बोलेंगे, तो लोग क्या बोलेंगे या मैं कमजोर हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, फेल होना अच्छा नहीं है। ये इतना पक्का बिलीफ हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि वहां से हम ऑपरेट करते रहते हैं। इसके वजह से एंजाइटी होती है, चिंता की बीमारी होती है। कोई लोग काम करना शुरू नहीं कर देते हैं, मतलब काम करने की शुरुआत भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं काम करना शुरू करूं, सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया तो लोग मुझे हंसेंगे, लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरे को नीचा नीचा दिखाएंगे। इससे ऐसा है कि भाई मेरे को मतलब कुछ काम करना ही नहीं है, या फिर लोगों ने कुछ काम करने लिया और उसमें वो फेल हो गए तो वो हो सकता है कि वो डिप्रेस हो जाते, नर्वस, उदास, हताश हो जाते, या वो चिंता की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। उनको फिक्र लगती है कि आगे कैसा होगा, अभी मैं आगे फेल हो गया तो क्या होगा, और वो उनको एंजाइटी डिसऑर्डर या एंजाइटी के सिम्टम्स उनको दिखते हैं। आपको जो भी आप करते हो वो आपको मिलता है। यदि आप फेल हो गए तो आपने जितना किया उतना आपको उसका रिजल्ट मिल गया। यदि कोई स्टूडेंट यदि एग्जाम में फेल होता है, उसने जितनी पढ़ाई किया उसका उसको उसका रिजल्ट मिल गया, पढ़ाई नहीं किया इसलिए फेल हो गया, मगर वो फेल नहीं है, उसको तो एक तजुर्बा मिल गया कि भाई मैंने ऐसी ऐसी पढ़ाई नहीं किया या ऐसी ऐसी पढ़ाई किया तो मैं फेल होता हूँ या पास होता हूँ। मैं इस तरह का हम जब देखते हैं कि भाई कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल अभी लॉक है, अभी ताला है, अब ताला आप खोलते हो एक चाबी से, और ताला चाबी से खुला नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? ताला और कोई चाबी से खुलेगा ही नहीं, कुछ ना कोई तो चाबी दुनिया में ऐसी होंगी तो चाबी से ताला खुलेगा।
या नहीं होंगे तो हम तैयार करेंगे। तो ताला खुला नहीं, इसका मतलब अभी ताला खुलेंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, आपको इसमें रुकना नहीं चाहिए, फिर हो गया तभी चलता है। भगवद्गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिक आस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता करेंगे, फल के ऊपर नजर रखेंगे तो कर्म होगा नहीं। तो रिजल्ट की ओर मत देखो, फेल्यूर की ओर मत देखो, फेल्यूर इमेजिनेशन में होगा, फेल तो अभी आप हुए नहीं हो, अभी राइट नाउ ये वक्त ये घड़ी आप फेल नहीं है, आपको फेल की चिंता है। और समझो फेल हो गए तो ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है फेल हो गए तो। दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग, आप कोई भी नाम लो, कोई भी आप नाम ले लो, ऐसा मुझे एक नाम बताओ कि वो कभी फेल हुआ ही नहीं। मगर लोग कभी फेल होने से रुके नहीं है, और जो फेल होने से कभी रुका नहीं है उसने ही जिंदगी में यश हासिल किया हुआ है। तो कभी रुकना नहीं, कभी डरना नहीं, कभी स्टॉप होने का नहीं है, और फेल्यूर से कभी दूर भागने का नहीं है। आपको रिवर के डायरेक्शन में जाने का, रिवर आगे बढ़ती रहती है। आप एक तो रिवर के डायरेक्शन में जाओ या रिवर्स के डायरेक्शन में जाएंगे। आप यदि फेल के डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, आप सक्सेस नहीं होंगे, तो फिर आप डेफिनेटली रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। तो चिंता करने का नहीं है, देर आर नो फेल्यूर्स, देर आर ओनली फीडबैक्स। आपको वहां से एक फीडबैक मिलता है कि भाई आप क्या क्या करने से आपको सफलता मिलती नहीं है, वो फीडबैक लो, वहां से सीखो, वहां से कोई शिक्षा लो, वहां से कुछ चीजें अपनाओ, नया एक्सपेरिमेंट करो, नई तरीके से चीज करो, नई एक्शन लो, और जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आपको यदि ये वीडियो लाइक आपने किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करो, शेयर करो लोगों को। थैंक यू वेरी मच।